अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अलीशा गिलानी और मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुक करेंगे साहिवाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राणा सुहेल। थाना गल्ला मंडी के इलाके डिस्पेंसरी रोड पीपल्स कॉलोनी में दो पार्टियों की फायरिंग से राहगीर 7 साल बच्ची जान की बाजी हार गई। DSP सिटी सर्कल महर मोहम्मद यूसुफ भी मौके पर पहुंच गए और SHO थाना गल्ला मंडी मुदस्सिर गफ्फार ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी। वुरसा का DPO साहिवाल से फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मैं अपनी छत पे ऊपर था, हवाई फायर की आवाज देखी, मैं छत पे से नीचे देखना शुरू हो गया। अंदर से बैकेट में से काले पुआ का भतीजा निकला है, माना पहलवान, उसके पास भी पिस्टल है, काले के पास भी पिस्टल है, काले का चैम्बर अड़ा है। अब काले का या फायर लगा जिसका चैम्बर अड़ा है या माने पहलवान का लगा है, इन तीनों के पास पिस्टल है। सानी लड़ाई में नहीं है, वो छुड़ाने में है। और लियास लड़ रहा है जिसके पास पिस्टल भी है, उसका बेटा भी छुड़ाने में है। ये चार बंदे हैं, लियास काले पुआन और बंदे दो उसके भतीजे, दो ये भाई, जिनके पास तीन बंदे के पास पिस्टल है, एक के पास पिस्टल नहीं है। और जो सा फायरिंग की है काले पुआन की तरफ से, पहले हुई है फायरिंग, इन्होंने फायर मारा है, इसका ही फायर बच्ची को लगा। मैं खुद देखने वाला हूँ, मुझे गलत बात करके कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्ची की उम्र कितनी थी? बच्ची की उम्र है 6-6.5 साल। तो आपने ये जो वकुआ बताया है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये काला पुआन पार्टी का फायर लगा या ये सानी वगैरह या लियास का फायर लगा? ये काले पुआन पार्टी का लगा, ये काले पहलवान पार्टी का। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।